सो हैलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू एमजी हेक्टर। अब इस पर्टिकुलर हेक्टर को मैं चला चुका हूँ 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और नई हेक्टर के साथ में मेरा 1000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं एक एक चीज़ आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि यहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर क्या मिलता है। ऐसे डिटेल वॉक अराउंड मैंने आप लोगों को दे रखा है, फीचर्स क्या मिलते हैं वो सब चीज़ें बता रखी है। जो चीज़ काम की है, जो मेरा एक्सपीरियंस इन्हेंस करती है इस कार के साथ में, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो हेडलैम्प्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। इसके कोई परेशानी मुझे इन हेडलैम्प से रिलेटेड नहीं आई, बिकॉज मैंने रात में इसे हाईवे पे भी चलाया जो नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना है, उसके बाद में मैंने सिंगल लेन्स पे भी चलाया जो मध्य प्रदेश की रोड्स हैं, और सिटीज़ में भी चलाया दिल्ली NCR में भी और मध्य प्रदेश में भी, एंड थोड़ा बहुत राजस्थान जयपुर के अंदर। उसके बाद में जो टायर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो ये गुडियर के टायर है 215/55R18, ये प्रोफाइल है इनकी, और 215 की इंच के ये जो प्रोफाइल के टायर यूज़ करें ये बढ़िया हैं, अच्छी ग्रिप ऑफर करते हैं। इन टायर से रिलेटेड मुझे कोई परेशानी नहीं आई है, और गाड़ी के हिसाब से लगते भी ये ठीक ठाक है। उसके बाद में विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है, अब ये चीज़ इसका प्लस पॉइंट है, बट थोड़ा सा नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि इतना ज़्यादा बड़ा विंडो एरिया होने के कारण गाड़ी अंदर से गर्म जल्दी होती है, तो आपको AC थोड़ा सा ज़्यादा चला के रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं पीछे, यहाँ पर हैज़न सच साइट में और कुछ है नहीं आपके लिए। पीछे से जो गाड़ी का लुक है वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया है, तो आप लोगों को एक फ़्रेश फील आती है हमेशा कि आपके पास में नई वाली हेक्टर है, दैट्स ऑल। और जब भी अगर की आपके पास में और आप पास में आके खड़े होते हैं तो गाड़ी जो है अभी तो खैर अनलॉक थी इसलिए नहीं खुलेगी, अदरवाइज ये अच्छी तरीके से वर्क जो है वो कर जाता है। अब सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी गाड़ी के अंदर, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है, और यूजेबल जो है वो यूजेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, बिकॉज ये जो लिप है वो बहुत ही सही है। तो अगर यहाँ पर कोई सामान आपका पड़ा है तो आप इजीली उसको बाहर जो है वो ले सकते हो, लेडीज़ को भी सामान उठाना है तो वो इजीली निकाल के बाहर निकाल सकती है। अगर वो डीप होता है तो थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी आती है। तो इसके जो नीचे है वो स्टोरेज आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा स्टोरेज यहाँ पर दिया है। छोटे मोटे सामान आप रख सकते हो, शूज़, लैपटॉप, कैमरा वगैरह रखने हैं या और कुछ आपके पास छोटा मोटा सामान है तो वो आप इजीली वहां पर कैरी कर सकते हो। तो स्टोरेज के मामले में कार काफ़ी अच्छी है, नीचे स्पेस सेवर टायर जो है वो लगा हुआ है। ओके, बूट को मैं बंद कर देता हूं। तो ये आप लोगों ने पूरी गाड़ी बाहर से देख ली है ऑलमोस्ट, अब अंदर की बात करते हैं कि अंदर से कैसी है। यहाँ पर मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, सबसे पहले बैठने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी हाइट 5'10" है, सफिशियंट हेडरूम लेग रूम मुझे मिल रहा है, आर्म रेस्ट है यहाँ पर, और अगर चाहें तो 5 लोग भी आराम से बैठ के जा सकते हैं। 5 सीटर भी बहुत अच्छी है, रीज़न ये है कि बीच में ये बिल्कुल फ्लैट फ्लोर आपको मिलता है, थोड़ा सा भी हम्प नहीं मिलता है, तो पैर एकदम फ्लैट रहते हैं, तो ईजिली यहाँ पर भी थर्ड पैसेंजर बैठ सकता है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि ये वाला जो सीट है ये थोड़ा सा हार्ड है कंपैरेटिवली, ये यहाँ पर पार्ट थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। बाकी यहाँ पर रीडिंग लैंप वगैरह सब मिल जाते हैं। एक चीज़ की कमी इस सीट पे मुझे लगी कि थोड़ा सा एम्बिएंट लाइटिंग का जो आगे माहौल है ना वो अंदर यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर किया जा सकता था। दूसरा, सनब्लाइंड जो है वो कंपनी को दे देने चाहिए, बिकॉज MG एक ऐसी ब्रांड है जिसमें फीचर्स के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, सेगमेंट फर्स्ट या बोल सकते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी जैसे स्क्रीन दी है, तो सनब्लाइंड जो है वो भी कंपनी को यहाँ पर दे देने चाहिए थे। इस चीज़ की एक छोटी सी कमी जो है वो मुझे लगी, बाकी तो हैज़न सच पीछे कोई कमी लगी नहीं है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर मिलती है और क्या चीज़ें ज़्यादा मुझे काम में आई है। अब अंदर आ रहा हूँ, सबसे पहले तो ये सीट अगेन काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने नॉनस्टॉप इस गाड़ी में 750 किलोमीटर ड्राइव करा था रात में उस दिन, आप लोगों ने स्टोरीज अगर देखी हो इंस्टाग्राम पे। तो अंदर आना बाहर जाना काफ़ी आसान है, और ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर रहती है, सभी हिसाब से आप सीट को जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन यहाँ पर नहीं है, इसकी जो राइवल है XUV 700 उसमें आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलती है, तो दैट्स वाई आगे बैठा तो एक चीज़ की कमी लगी, मेमोरी सीट जो है वो यहाँ पर मेमोरी फंक्शन के साथ में सीट्स होनी चाहिए थी, क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल है और प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा थोड़ी सी लगती है मुझे, बट फीचर्स ऑलमोस्ट सारे दिए हैं तो एक ये फ़ीचर भी आगे दे देना चाहिए कंपनी को। बाकी उसके अलावा ये जो स्क्रीन है इसका लेआउट काफ़ी अच्छा है, और गाड़ी मतलब चालू होती है, आपको चलाने में करने में कोई परेशानी नहीं होती है, बट स्टिल इसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत लैग है, इसको थोड़ा सा कंपनी रिजॉल्व कर सकती है, इसके ऊपर वर्कआउट करने की अभी भी रिक्वायरमेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपका पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है या आपका फ़ोन हैंग हो गया है तो आपको बंद करके चालू करना पड़ता है, तो एक या दो बार मुझे भी ऐसा करना पड़ा था कि ये हैंग हो गया था, मेरे को कार को ऑफ करना पड़ा, वापस ऑन करा एंड देन जो स्क्रीन है वो काम करना स्टार्ट हो गई। बाकी ऐसा नहीं है कि जब मैं चला रहा हूँ क्लिक कर रहा हूँ
तो चल नहीं रही है इजीली, जो है वो सारी चीज़ें आ जाती है, एक्सेस हो जाती है। कहीं कहीं पर जो है वो थोड़ा सा लैग जो है वो फील होता है, जैसे अभी क्लिक करा, ये क्लिक करा, तो अभी ये देखो सामने जो चीज़ें हैं ये आने में 1 सेकेंड का टाइम लगाया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, बट स्टिल पहले के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है। अब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एज अ ड्राइवर वो ये है कि जैसे आप रिवर्स गियर में एंगेज करते हैं, कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कैमरा काफ़ी अच्छा व्यू आपको दे देता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बट एक चीज़ और, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम फाइनेस्ट एक्यूरेसी के साथ में काम नहीं करता है, इसमें भी हल्का सा डिले, और ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारे कैमरे में होता है। तो बेटर आप खुद का भी थोड़ा सा ध्यान रखो और फिर कैमरे के ऊपर भी भरोसा रखो। ये सब चीज़ें आपको असिस्ट करने के लिए है, या थोड़ा सा आपका मतलब लाइक हेल्प कर दे उसके लिए होती है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली आप पूरा इसके ऊपर रिलाय कर लें। 99.99% ये ठीक है, बट स्टिल 0.01% मिरर्स के और आगे पीछे जो आप ऐसे फेस घुमा के गाड़ी को पार्क करते हो वैसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी काफ़ी सही है, कोई परेशानी मुझे नहीं लगी। इसके अंदर लाइट अगर होती तो काफ़ी अच्छी बात होती, इसमें भी लाइट जो है वो नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये कमी रह गई है। और बाकी जो वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन है उसमें से एयर फ्लो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो सकता था ऐसा मुझे लगा, बिकॉज अभी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी अगर जब मैं वेंटिलेटेड सीट चालू करता हूँ, एक चीज़ अच्छी, आवाज़ बहुत ही कम करती है, मतलब ना के बराबर आवाज़ है, बट थोड़ा सा और ज़्यादा कूलिंग जो है वो होनी चाहिए थी, एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। उसके अलावा गाड़ी में एज एन सच मुझे कुछ कमी नहीं लगी, जो चीज़ें लगी मैंने आपको सारी बता दी। गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, कम्फर्ट के मामले में नेक्स्ट लेवल है, फीचर्स और जो वाइब है कार के अंदर वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्कुल एकदम लग्जरी कार वाली वाइब जो है वो आपको 25 लाख रुपए में मिल रही है, तो वो चीज़ बिल्कुल वर्थ बाय मुझे लगती है। अब चला के देखते हैं चलाने में कैसी फील होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो अब चला के देखते हैं और चलाने में ये कैसी है। तो अभी मैंने जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो मैंने आप लोगों को दे रखा है इस गाड़ी के ऊपर, और साथ ही टेस्ट करके भी बताया कि इसका जो एडास है वो कैसे काम करता है, रियल लाइफ टाइम में जो ट्रैफिक जैम असिस्ट फंक्शन है इसका वो कैसे काम करता है। बट उन सब का कंक्लूज़न लाइक कि जहाँ पे मैंने इसको हाईवे पे बहुत अच्छा चलाया 600-700 किलोमीटर ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने सिटी में एक्सट्रीम ट्रैफिक वाली कंडीशन में जहाँ चलाया है, 3-4 लोगों के साथ में चलाया है, ख़राब रास्तों में चलाया है, पतली रोड्स पे और सभी तरह की अलग अलग टाइप की टेरेंस पे भी चलाया है। हाँ मैंने हिली एरिया में इतना ज़्यादा नहीं चलाने का काम पड़ा मेरे को कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स हो, बट जहाँ जहाँ मोस्टली नॉर्मल सरफेस है वहाँ मैंने चला लिया। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले व्यूइंग एंगल गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, ग्लास काफ़ी बड़ा है और ORVM जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो दे जाते हैं, IRVM से भी बढ़िया व्यू जो है वो पीछे का मिल जाता है, कोई परेशानी जो है वो नहीं आती है। दूसरा कंफर्ट, जैसा मैंने बताया सीट कंफर्टेबल है, सीट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, थाई सपोर्ट वगैरह सही साठ मिलता है, लंबर सपोर्ट भी जो है वो बढ़िया मिल रहा है, देखा उसका एडजस्टमेंट नहीं है बट स्टिल काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो कोई कंप्लेन मेरी उससे रिलेटेड भी नहीं है। कंफर्टेबल कार फील होती है क्योंकि ये नॉन स्टॉप अगर आप 700 किलोमीटर चला रहे हो तो डेफिनेटली कंफर्टेबल है, तभी आप चल पा रहे हो ना, अदरवाइज नहीं चल सकते, तो वो भी एक चीज़ इसके साथ में काफ़ी अच्छी जाती है। और दूसरा प्लस पॉइंट कंफर्ट के अंदर एड ऑन करता है इसका अपना जो सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन इसके काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी स्मूथ राइड क्वालिटी जो है वो ऑफर करते हैं। और सस्पेंशन अब जो है वो पहले से मेरे को थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगे, डोंट नो क्यों, क्योंकि कंपनी ने ये तो नहीं बोला कि हमने इसके ऊपर कुछ वर्क करा है नहीं करा है, बट स्टिल पहले वाली हेक्टर से इसके थोड़े से ज़्यादा बेटर जो है वो मुझे फील हुआ है। और अभी जैसे ये पोर्टल्स वगैरह पे से निकलती है ना तो ज़्यादा साउंड नहीं करती, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो साउंड आएगा अगर आप ज़्यादा स्पीड से निकालेंगे तो, बट बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करती है। स्टीयरिंग के फीलिंग फीडबैक की बात करें तो अगेन ये Hyundai टाइप जो है वो फील होता है, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर और लाइट वेट ही ये फील होता है, मतलब लाइक एकदम अगेन इसको भी कंफर्ट में रखी ध्यान पे रखे पूरा बनाया गया है कि आप जब चलाएं तो कंफर्ट रहे, ऐसा नहीं कि आपके हाथ दुखने लग जाए। तो मोस्टली जो इस कार को ऑप्ट करेंगे उन लोगों की प्रेफरेंस कंफर्ट ही रहने वाली है, या अगर आपकी भी प्रेफरेंस कंफर्ट है कि हमको एक कंफर्टेबल कार चाहिए कि हम आराम से हमारी फैमिली के 5 लोग बैठ के जाएं, उनका सामान आराम से पड़ा हो, सारे फीचर्स हों, लग्जरी वाइब्स हों अंदर, और ज़्यादा हमको ऐसे कुछ भगानी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए ये कार काफ़ी बढ़िया जो है वो कंफर्टेबल कार है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। कंपैरेटिवली अगर हैरियर की बात करो जो कि मेरे भैया के पास में है, फिर 700 भी मेरे फ्रेंड के पास में है, तो जो भी इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं
उन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अगेन परफॉर्मेंस की बात आती है तो कुछ और गाड़ियाँ हैं जो आगे निकल जाती है, जैसे 700 का परफॉर्मेंस वाइज कोई तोड़ नहीं है सेगमेंट के अंदर, 700 के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मिलती है। और वहीं स्टेबिलिटी या जो स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक है वो हैरियर का मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। तो हर गाड़ी का एक अपना प्रोज है, मतलब लाइक अच्छाई है और किसी की कुछ बुराई है। तो अगर आपको कंफर्ट ही आपकी प्रायोरिटी है तो ये आपको पसंद आने वाली है। फिर उसके बाद में कितनी स्पीड पे काफ़ी अच्छी तरीके से क्रूज कर लेती है। तो 100-120 पे आप चल रहे हो, कोई परेशानी नहीं है गाड़ी के अंदर, इजीली जो है वो कार क्रूज कर लेती है। और फिर आपके पास में मोड्स हैं, ईको मोड पे आपको डालना है आप डाल लो, नॉर्मल मोड में और स्पोर्ट्स मोड में चलानी है, मैन्युअली आपको कंट्रोल लेने आप ले सकते हो। बट अगेन ये सीवीटी गियरबॉक्स इतना ज़्यादा मेरे को परफॉर्मेंस वाइज खास कुछ लगता नहीं है, तो आप चाहे स्पोर्ट्स में चलाओ, ड्राइव में चलाओ, नॉर्मली चलाओ, उससे कुछ इतना ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन जो है वो फील होती नहीं है कि यार पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या एकदम से इंस्टेंट आपको पावर मिल रही है। ठीक ठाक सा चेंज जो है वो मिनिमल सा चेंज आपको फील होता है, और वो इतना ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो बेटर, मैं मोस्टली इसको ड्राइव में ही चलाता हूँ, ड्राइव के अलावा कभी भी इसको ना मैनुअल चलाने की इच्छा होती है। मैनुअल मैंने चला के देखिए वाइब ही नहीं आती है, वो बस आवाज़ ऊपर नीचे होती है, बट जो स्पीड है वो उसके अकॉर्डिंगली एकदम कामली जो है वो बढ़ाता है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को ओवरटेक करने में परेशानी आ रही है, ओवरटेक वगैरह जो है वो ईजिली कार कर जाती है, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं फील होती है। ब्रेक्स गाड़ी की अच्छे हैं, इजीली ब्रेकिंग वगैरह आ जाती है, और 2-3 दिन आप चलाओगे तो आप इससे यूज्ड हो जाओगे, इजीली आप ब्रेक्स वगैरह जो है वो अप्लाई कर पाओगे। और उसके बाद में अर्गोनॉमिक वाइज भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, सभी चीज़ें रीच में हैं और कहीं पर भी हाथ लेके जाने में कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है। बड़ी स्क्रीन होने का एक फ़ायदा है, आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ता है, कोई चीज़ इतनी छोटी नहीं रहती, सब चीज़ें बड़ी बड़ी है ना, तो इजीली आप सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर लेते हो, कोई चीज़ आपको चलानी है तो वो आप चला लेते हो। बस मेरे को एक चीज़ की थोड़ी सी लगी कि यार एसी का जो बटन है ना वो मैनुअली यहाँ पर कंट्रोल जो है वो एसी के मैनुअल कंट्रोल होने चाहिए थे। रीज़न ये है कि एसी के मैनुअल कंट्रोल ना होने के कारण सिर्फ एक मैक्स है कि आपको स्पीड एकदम बढ़ानी है तो आप बढ़ा लो, उसके अलावा एक भी नहीं है। तो थोड़ा सा लगता है कि यार जब आप ट्रैफिक वगैरह में होते हो ना कि मैं एसी को आप कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हो बटन, लाइक स्क्रीन पे प्रेस कर रहे हो, फिर कम ज़्यादा कर रहे हो, फिर आपका ध्यान इधर या उधर हो रहा है तो वो कम ज़्यादा एकदम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब एकदम बढ़िया नहीं आ पाता है। तो वो कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पर जो मैनुअल स्विचेस हैं वो दे देने चाहिए थे, और दूसरा एक नॉब दे देना चाहिए वॉल्यूम रॉकर कि आपको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप फटाक से घुमा के बटन को कम या ज़्यादा कर लो। इस पर टच रिस्पॉन्स पे जो है वो ईजिली हर कोई नहीं कर पाता है, अगर बच्चे बैठे हैं ठीक है, कोई यंगस्टर पास में बैठा है ठीक है, अगर पास में कोई बड़े बैठे हैं घर के तो उनको फिर थोड़ी सी एकदम परेशानी आ जाती है कि यार कहाँ से आवाज़ कम होगी, वो फिर आपको बोलेंगे कि गाड़ी की आवाज़ कम कर दो। वो चीज़ एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसा काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि 1000 का यूज़र एक्सपीरियंस हो गया मेरा, कि मैंने गाड़ी को मेरी खुद की समझ के यूज़ करा, है ये मीडिया कार MG से मेरे पास में आई है, बट मेरे को क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें ऐसी लगी कि और बेटर हो सकती है, वो उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी गाड़ी के अंदर सभी चीज़ें क्वालिटी वाइज अच्छी है, लाइट इंटीरियर है तो इसका थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। सीट जो है वो गाड़ी अभी टोटल 100 किलोमीटर चली है, मैंने 4800 किलोमीटर पर एग्जैक्ट कार चलाना स्टार्ट करी थी मेरे टेस्ट पे, अपने टेस्ट पे, तो सीट जो है वो अभी से थोड़ी सी गंदी होना स्टार्ट हुई है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बाकी हजन सच काफ़ी अच्छा है, ब्लैक एंड बैच का जो ये पूरा थीम है वो काफ़ी अच्छा कलर जो है वो लगता है, इंटीरियर काफ़ी सही लगता है, कोई सॉर्टेड है, एकदम मज़ा आता है, मतलब कोई प्रॉब्लम जो है वो हजन सच नहीं होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें हैं। माइलेज की बात है तो डेफिनेटली यार देखो माइलेज सिंगल डिजिट में ही मिल रहा है, टू बी फ्रैंक आपको वही 8-9 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही रिटर्न करता है। अगर आप बहुत ही प्यार से अच्छी तरीके से हाईवे पे चलाते हो तो फिर डेफिनेटली आप डबल डिजिट पे से जो है वो माइलेज निकाल सकते हो, आपको माइलेज जो है वो अराउंड 10-11 भी मिल सकता है। अगर आप अभी जैसे मैं चल रहा हूँ 82 की स्पीड पे, 80-90 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ और ऐसे स्मूथली सरफेस पे आप कंप्लीटली चलाओ नॉन स्टॉप तो, बट अगर आप फिर वापस सिटी में चला रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, ट्रिपल डिजिट कर रहे हो तो फिर अगेन माइलेज जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो बस वो चीज़ की कमी लगती है। फिर दूसरा आप 25 लाख रुपये देते हो तो पेट्रोल इंजन आपको 1.5 लीटर का ही मिलता है जिसमें 141 हॉर्स पावर ही है, तो पावर थोड़ा सा कम फील हो सकता है कुछ लोगों को। बट अगेन मैंने आपको बताया फर्स्ट कि अगर कंफर्ट आपकी प्रायोरिटी है, आपको चाहिए कि आपको कंफर्टेबल कार चाहिए, आपको बैठने में मज़ा आना चाहिए, आपकी फैमिली के साथ आपको एंजॉय करना है, भगानी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये कार आप लोगों के लिए अच्छी है। तो
अब अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर आते हो तो MG Hector के साथ में आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। सर्विस पैकेजेस जो हैं वो भी काफ़ी कम प्राइस के हैं, आप लाइक इसका सर्विस पैकेज ले सकते हो, 5+5+5+5 वारंटी पैकेज वगैरह वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर 3 साल के आसपास इसके अंदर आप लोगों को जो है 60% बायबैक कुछ तो है ऐसा इनकी स्कीम, आप नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके पता करना, वो भी आप लोगों को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो इसकी ऑनरशिप एक्सपीरियंस है कंपनी की तरफ से भी आपको काफ़ी बढ़िया जो है वो मिलने वाली है। और जितने भी मेरे ऑनर पहचान के हैं MG जो Hector यूज़ कर रहे हैं पहले भी डीजल और पेट्रोल, वो भी बोलते आए हैं कि सर्विस कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी कम इस गाड़ी की आती है। तो उनके एक्सपीरियंस से मैंने आपको वो सारी चीज़ें जो है वो भी बता दिए। बाकी दूसरा एडास जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, कोई परेशानी नहीं आती है। एक चीज़ जो ये इसका इंडिकेटर वाला फीचर है ये सिटी में अनॉय कर देता है यार। देखो ये अनॉइंग इसलिए फील होता है मेरे को क्योंकि अब जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आप चला रहे हो, ठीक है, छोटे अगर आप शहर में रह रहे हो, अभी जैसे मैं दिल्ली में चला रहा था मेरे को परेशानी नहीं आई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी रोड है, आपको एकदम ज़्यादा इधर उधर नहीं होना पड़ता है। और जब मैं रतलाम में आया, मैंने जयपुर में थोड़ी चलाई, मैंने एक दो जगह और सिटी में चलाई, वहाँ पर क्या है कि आपको फटाक से इधर और उधर होना पड़ रहा है, वहाँ पर बार बार इंडिकेटर चालू हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे अनोइंग सा फील करवा सकते हैं कि क्या बार बार फील हो रहा है, या तो वो हो बट उसकी जो टिक टिक वाला साउंड है ना वो ऑन ना हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा बेटर जो है वो अगेन ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे सकती है। NVH गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, बाहर का साउंड इतना ज़्यादा केबिन के अंदर नहीं आता है फिल्टर होके कि आपको परेशानी हो किसी चीज़ के, सिर्फ टायर का जो साउंड है वो 75-80 की स्पीड से आप ऊपर जाते हो तो थोड़ा सा आपको केबिन में आएगा, इंजन का नॉइज़ आप फील नहीं करोगे, 2000 RPM से ऊपर आप रेव करोगे तो ही आएगा, बाकी कोई परेशानी आपको फील नहीं होगी। सो गाइज ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस 1000 किलोमीटर का ऑल न्यू 2023 MG Hector पेट्रोल CVT के साथ में। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कुछ पूछना है नीचे कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर कोशिश करूँगा 24 आवर के अंदर देने की। तो गाइज बस यही था, और इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट होता लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। Drive safe, ride safe.